दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे पास एक फिलिप्स कंपनी का सीआरटी टेलीविज़न है और दोस्तों मैं आज फिलिप्स कंपनी पर आने वाले एक फॉल्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और अधिकतर दोस्तों फिलिप्स पर यह फॉल्ट देखने को मिलता है, तो दोस्तों वह फॉल्ट कौन सा है? जब दोस्तों आप टीवी को चालू करते हैं तो टीवी आपका थोड़ा सा चालू होगा, आपको स्क्रीन भी दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों तुरंत जो है 2 से 3 सेकंड बाद फिर से आपका स्टैंड बाय में हो जाता है। तो आज दोस्तों मैं इसी के बारे में एक छोटा सा जानकारी देने वाला हूं कि फिलिप्स टीवी पर दोस्तों यह फॉल्ट किस किस कारण से आता है और आपको दोस्तों इसे कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसे चालू करता हूं और इस टीवी पर भी दोस्तों यही फॉल्ट है कि यह टीवी जो है तो 2 सेकंड 3 सेकंड दोस्तों चलने के बाद फिर से यह आपका स्टैंड बाय में चला जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से जैसे चालू करते हैं तो यह दोस्तों फिर से जो है स्टैंड बाय में चला जाता है। तो इस फॉल्ट को दोस्तों हम कैसे दूर करेंगे और यह प्रॉब्लम जो है तो अक्सर जो है फिलिप्स के टेलीविज़न पर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस फॉल्ट को दूर करने के लिए कि सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, यदि इस प्रकार का फॉल्ट आता है तो आपको दोस्तों यह देख सकते हैं जो एचटी लगा होता है तो एचटी का जो ब्राइटनेस वाला पॉइंट है उसे दोस्तों आपको आगे पीछे करके थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके और फिर आपको दोस्तों टीवी जो है तो चालू करना होता है। इससे दोस्तों आपका जो फॉल्ट है तो दूर हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप क्या है कि आपको यह जो सीआरटी जो बेस लगा हुआ है तो उस बेस को दोस्तों आपको न्यू बदल देना है। और जो तीसरा कारण दोस्तों, यदि फिर भी आपका ठीक नहीं होता है तो आपका जो मेमोरी है तो दोस्तों यह डाटा इसी ख़राब होने के कारण भी अधिकतर यह फॉल्ट आता है। तो पहला स्टेप दोस्तों आपको एचटी से सेट करना है, जो ब्राइटनेस वाला पॉइंट है उसको दोस्तों आपको आगे पीछे करके थोड़ा सा सेट करना है। और इसके बाद सेकंड स्टेप दोस्तों आपको नया बेस भी लगा देना है, इससे भी दोस्तों यह प्रॉब्लम आता है। और तीसरा दोस्तों आपका जो मेमोरी आईसी डाटा आईसी वो दोस्तों जब फेल होता तो भी ऐसा देखने को मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने इसमें एचटी से ब्राइटनेस वाले पॉइंट को हल्का सा बढ़ाया है। और अब दोस्तों मैं इस टीवी को आपको चालू करके दिखा देता हूँ यह जो फॉल्ट इस टीवी में था तो हमारा ठीक होता है कि नहीं। और अधिकतर दोस्तों यह प्रॉब्लम आपको फिलिप्स टीवी पर देखने को मिलेगा और जिसका मेन कारण दोस्तों यही है। सबसे पहले आपको एचटी से दोस्तों सेट करके देखना है और आपका जो बेस है दोस्तों तो सीआरटी का बेस आपको चेंज कर देना है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट आपका जो डाटा आईसी लगा हुआ है दोस्तों तो वह आपका फेल हो जाता है, तब ऐसा आपका फिलिप्स टीवी में दोस्तों देखने को मिलता है यह फॉल्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने हल्का सा ब्राइटनेस वाला पॉइंट जो है बढ़ाया हुआ है और अब टीवी दोस्तों मेरा बंद नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का दोस्तों फॉल्ट कभी भी आता है और अक्सर दोस्तों फिलिप्स टीवी पर यही फॉल्ट देखने को मिलता है कि हमारा टीवी जैसे ऑन करेंगे तो तुरंत दोस्तों 1 सेकंड 2 सेकंड स्क्रीन आएगा, इसके बाद स्टैंड बाय में हमारा टीवी जो है तो बार बार हो जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार।